गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 11.2। इन द प्रीवियस एक्सरसाइज 11.1 वी ड्रा द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल। नाउ वी कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, टेक ओ इज एनी पॉइंट एंड ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये कोई भी सर्कल ले लिया हमने जिसका रेडियस क्या है, वो 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से कोई भी 10 सेंटीमीटर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए। लेट पी बी एनी पॉइंट, ये कोई भी पी पॉइंट है जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर। पी से ओ को हम मिला देंगे। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो यहाँ से पी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट हमने ड्रा करनी है। तो इसको पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करने से पहले हम पी ओ का बाइसेक्टर निकालेंगे। तो वो हम बाइसेक्टर निकाल लेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास लेके पी ओ से, और ये हम कोई भी बाइसेक्टर निकाल लेंगे पी ओ का। अब इस बाइसेक्टर से हम सर्कल ड्रा करेंगे जो ओ से और पी से पास होता हो। तो ये हमने सर्कल ले लिया जो पी और ओ से पास हो रहा है, और ये जिस भी पॉइंट के ऊपर इस सर्कल को काट रहा है इसको नाम दे दिया हमने ए और बी। अब ए और बी को पी से मिलाइए। तो ये हमने ए और बी पॉइंट को पी से मिला दिया। दिस इज़ द पेयर ऑफ टेंजेंट पी एंड पी बी। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा हमारे पास पी से ए, पी से बी, और इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी इक्वल, एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट लेंगे दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और ये आफ्टर मेजरिंग दिस लेंथ पी ए पी बी वी राइट द वैल्यू ऑफ दिस, और ये इसकी वैल्यू हम लिखते हैं। ये हम स्केल से भी आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके अंदर क्या हो जाएंगे हमारे पास, सबसे पहले टेक ए पॉइंट ओ एंड ड्रा द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सेकंड इज मार्क ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। ज्वाइन पी एंड ओ एंड देन बाइसेक्ट पी ओ। पी ओ को बाइसेक्ट करेंगे, देन ड्रा ए सर्कल विच पास थ्रू द पी एंड ओ। पी और ओ से सर्कल पास हो वो हम लिखेंगे। देन ज्वाइन पी टू ए एंड पी टू बी, दीज आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस सर्कल हुज डिस्टेंस हुज मेजरमेंट कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। स्केल की सहायता से हम इसकी मेजरमेंट लिख देंगे दोनों की वैल्यू। पी ए की वैल्यू क्या आती है, पी ए की, पी ओ और पी बी दोनों की लेंथ हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और वो है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कोई भी दो सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। दोनों ही सर्कल आपके कॉन्सेंट्रिक है। मान लीजिए एक सर्कल आपका ये हो गया, टेकिंग ओ एज सेंटर ड्रा ए सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग ओ अगेन ए सेंटर ड्रा ए सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ये 4 है, ये 6 है। एंड मेजर इट्स लेंथ। अब यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल के रेडियस से, पेयर ऑफ टेंजेंट लेना है 4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर आपके पास, ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से कोई भी इस 6 सेंटीमीटर का हम बाइसेक्टर निकालेंगे, और ये बाइसेक्टर आ जाएगा हमारे पास इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से सर्कल ड्रा करेंगे हम जो इन दोनों को ओ से भी और इस पी पॉइंट से भी पास हो।
तो ये सर्कल हो जाएगा जो पी से और ओ से पास हो रहा है। अब ये जो भी सर्कल है इसको जहाँ भी काटता है पहले वाले सर्कल को, इसको हम मिला देंगे पी पॉइंट से, तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट जो इस सर्कल का दूसरे सर्कल के पॉइंट से है। दिस इज द पेयर ऑफ सर्कल। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, टेकिंग ओ एज ए सेंटर ड्रा ए सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग अगेन ओ एज ए सेंटर ड्रा ए सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। देन टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल्स। आउटर सर्कल के ऊपर कोई भी पी पॉइंट लिया हमने और इसको ओ से पी को हमने मिला दिया, दिस इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल एंड देन बाइसेक्ट पी ओ एंड देन ड्रा ए सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट पी एंड ओ। और ये जो भी सर्कल है ये जिस भी पॉइंट के ऊपर काट रहा है उसको हमने नाम दिया ए और बी। देन ज्वाइन पी एंड ए एंड पी एंड बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, और वो है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कोई भी सर्कल लिया और जिसका रेडियस हो 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल लिया हमने जिसका रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। टेक टू पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ईच ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एज ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ये कोई भी सर्कल है जिसका जो डिस्टेंस है रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है। अब इसके डायमीटर के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लिए हमने पी और क्यू जो सेंटर से कितनी दूरी पर हों, विच आर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर 7 सेंटीमीटर। इन दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो सेंटर से क्या है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पे। ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज टू पॉइंट पी एंड क्यू। अब इन दोनों पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रा करनी है, वो क्या होगी? तो सबसे पहले P से O का हम बाइसेक्टर निकालेंगे। P से O का बाइसेक्टर जो भी आएगा वो मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर होगा और ये हम लाइन ड्रा करेंगे बाइसेक्टर वाली। आप सर्कल ड्रा करेंगे जो PO से पास होता हो, तो ये कोई भी सर्कल है जो P और O से पास हो रहा है। इसी प्रकार PQ का बाइसेक्टर निकालेंगे और यहाँ से भी हम सर्कल ड्रा करेंगे जो ओ और क्या दोनों से पास होता हो, तो ये भी क्या हो गया, सर्कल हो गया जो दोनों से पास हो रहा है। इसको नाम देंगे हम ए और बी, ये जो भी पॉइंट है तो ये ए बी और ये हो जाएगा आर और एस, आर और एस। पी को ए से मिलाया और पी को बी से मिला देंगे हम। इसी प्रकार आर को क्या उसे मिलाएंगे और एस को भी क्या उसे मिलाएंगे, तो ये कोई भी पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। दोनों पी पॉइंट से तो पी ए और पी बी हो जाएगा और क्यू पॉइंट से क्यू आर और क्यू एस कोई भी पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा इस सर्कल के ऊपर जिसके रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास, और वो है ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई भी सर्कल लिया जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। ये कोई भी सर्कल है जिसका ओ सेंटर है और रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। पेयर ऑफ टेंजेंट हमें लेना है सर्कल के ऊपर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो जो पेयर ऑफ टेंजेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या हो 60 डिग्री के एंगल के ऊपर। ये डायमीटर है सर्कल का तो यहाँ पर हम एंगल बना लेंगे, तो ये 60 डिग्री का एंगल हमने बना दिया और ये लाइन जो भी आई, दिस इज ओ दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ए और बी पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी, तो ये आ जाएगा ए के ऊपर। इसी प्रकार बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम तो वो ये हो जाएगी। ये दोनों लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, ये जहाँ भी मिलती है तो ये पॉइंट हो जाएगा पी पॉइंट।
तो 90 का एंगल ये हमारे पास, 90 का एंगल ये है और 120 का एंगल ये है, और ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है तो ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा पी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो ए और बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। क्यों? पेयर ऑफ जो टेंजेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 हम यहाँ पे ले लेंगे, 90 हम यहाँ पे ले लेंगे, और ये अपने सेंटर के ऊपर 120 का एंगल यदि हम बढ़ा देते हैं तो जो भी एंगल बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और वो हमारे पास लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर जो ए बी है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और बी सी है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो सबसे पहले हम ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, और जो बी सी है बी सी साइड ले लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये कोई भी बी पॉइंट है, ये सी है, और ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। अब बी के ऊपर हम 90 का एंगल बढ़ाएंगे तो ये 90 का एंगल आपका ये हो जाएगा, और ये जो भी पॉइंट होगा वो ए हो जाएगा, ये हम ले लेंगे 6 सेंटीमीटर के ऊपर। अब इस ए और सी को हम मिला देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू 6 एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे हम, बी सी का हम बाई सेक्टर निकाल लेंगे। बी सी का बाई सेक्टर हमने निकाल लिया, मान लीजिए ये इसका बी सी का बाई सेक्टर है। अब यहाँ से हम सर्कल ड्रा करेंगे जो बी से और सी से पास हो, और इस प्रकार ये कोई भी सर्कल लिया हमने, और ये जहाँ भी इसको इंटरसेक्ट करे यहाँ पे हम बी से डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ये कोई भी परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया बी से डी, दिस इज डी। तो ये ए सी के ऊपर बी डी कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने जो इसके साथ परपेंडिकुलर है। अब हम ए और ओ को मिलाएंगे, इस ए को ओ से मिला देते हैं। ए और ओ को मिलाइए, और ये मिलाने के बाद जो भी ए ओ है इसका बाइसेक्टर करिए आप, और बाइसेक्टर करके यहाँ से भी आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये बाइसेक्टर किया और ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल जहाँ भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, वो आपका पॉइंट हो जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट। तो एक तो पॉइंट ये खुद हो जाएगा ए बी ही होगा, और दूसरा ये पॉइंट जो भी होगा वो, तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट जो बी से भी पास हो रहा है, डी से भी पास हो रहा है, और सी से भी। कोई भी सर्कल था बी से पास हो रहा है, सी से और डी से जो भी सर्कल पास हो रहा है, यहाँ से इस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रा करनी थी ए पॉइंट से। तो स्टेप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ड्रा ए लाइन बी सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, देन मेक एंगल 90 डिग्री ऑन द पॉइंट बी, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके बाद ज्वाइन ए टू, टेक ए बी एज 6 सेंटीमीटर, ए बी को 6 सेंटीमीटर लेंगे, ज्वाइन ए टू सी, ए और सी को हम ज्वाइन कर देंगे, ड्रा बी डी एज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। बी डी कोई भी परपेंडिकुलर ले लिया हमने बी पॉइंट से ए सी के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है। ड्रा ए सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट बी सी एंड डी। तो बी सी से पास हो रहा है और डी से ये सर्कल हम ड्रा कर लेंगे। ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर लेंगे, देन बाइसेक्ट ए ओ एंड ड्रा ए सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट ए एंड ओ। उसके बाद हम सर्कल ड्रा करेंगे जो ए से भी पास हो रहा है और ओ से भी पास हो रहा है, देन ड्रा द लाइन ए क्यू एंड ए बी, इसको हम ड्रा कर देंगे, ये आपकी डायरेक्ट हो जाएगी। दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए
ऑन द सर्कल विच पास फ्रॉम द पॉइंट बी सी एंड डी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.2।